इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमडी मेडिटिव। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमडी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ड्रिप सी एयर ड्रॉप्स यानी कान के ड्रॉप जो आते हैं ड्रिप सी, उसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। ड्रिप सी जो एयर ड्रॉप्स आते हैं उसके अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या है, किन किन कामों में इसको यूजेस लिया जाता है, क्या कान के दर्द जब हो रहा है तब उस कंडीशन में अब जो ड्रॉप आते हैं उसका यूजेस लिया जा सकता है, किन किन कंडीशन में यूजेस नहीं लिया जा सकता है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स आज चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप आने एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। ड्रिप सी एयर ड्रॉप, जिसको DWD फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है। ड्रिप सी जो ड्रॉप आते हैं उसके अंदर कंटेंट सॉल्ट मेडिसिन मुख्यतः दो मिलाया जाता है। दो मेडिसिन के कॉम्पोजिशन में ही इस ड्रॉप को बनाया जाता है। पहला जो इंग्रीडियंट है वो है लिडोकाइन। लिडोकाइन 2% के स्ट्रेंथ में WYV के तहत इस ड्रॉप के अंदर मिलाया जाता है। इंडियन WYV के तहत इस ड्रॉप के अंदर 2% के स्ट्रेंथ में लिडोकाइन आपको मिल जाएगा। दूसरे जो इंग्रीडियंट है वो है क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल 1% के स्ट्रेंथ में WYV के तहत इस ड्रॉप के अंदर मिल जाएगा। यही दोनों के मेडिसिन के कॉम्पोजिशन में इस ड्रॉप को यानी ड्रिप सी ड्रॉप को बनाया जाता है। इसके कॉम्पोजिशन में और भी बहुत सारे ब्रांड नेम आ सकता है, जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिला आसानी से मिला ले सकते हो, सबके काम एक ही होगा। जो काम मैं बताऊंगा वो काम सबके एक ही होगा। इसके मुख्यतः काम होता है कान में कुछ भी इन्फेक्शन हो जाने से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे जो फांगी इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन के कारण से कान के अंदर खुजली होना, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होना, कान के अंदर से पास आना, पानी जैसा निकलना, कान के बहुत ज़्यादा दर्द होना, ऐसे बहुत सारा स्वाभाविक प्रॉब्लम होता है। उस कंडीशन को ठीक करने के लिए दूसरे मेडिसिन के साथ इस ड्रॉप को दिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ये फंगी इन्फेक्शन जो होता है उसको ख़त्म करता है और कान के अंदर जो स्वेलिंग होते हैं, जो पेन होते हैं, दर्द होते हैं और जो कई भी प्रॉब्लम होते हैं उस सब प्रॉब्लम को ये ड्रॉप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ड्रॉप है, इसके वैसे तो साइड इफेक्ट कोई नहीं देखा गया है, फिर भी किसी किसी पेशेंट को जिस जगह में आप अप्लाई कर रहे हो उस जगह में जलन महसूस होना, खुजलिया होना, ऐसे ही स्वाभाविक छोटे मोटे साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। जब भी आपको कोई इससे अनडिजरेबल साइड इफेक्ट मिले आप तुरंत ही मेडिसिन को बंद कीजिए यानी ड्रॉप को बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं ड्रॉप चेंज करके या इसके डोज एडजस्ट करके। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आते हैं इसका डोज। ये ऐसे ही एक ड्रॉप है, 5 साल से ऊपर से लाकर बुजुर्ग तक सभी में सेफली डॉक्टर के पसंदीदा नंबर 1 ड्रॉप में से एक है, सभी में सेफली यूज लिया जा सकते हैं। एज के कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना एज है उसका और उसके जो रोग की गंभीरता कितना है उसके ऊपर ही डोज निर्धारण करते हैं। हमेशा डॉक्टर हर दिन 2 बार से लाकर 3 बार तक किसी को 2 ड्रॉप करके, 2 बार से लाकर 3 बार तक किसी को 3 ड्रॉप करके या किसी को 5 ड्रॉप करके भी 2 बार से लाकर 3 बार तक जरूरत के अकॉर्डिंग डॉक्टर दे सकते हैं। खुद से ना यूजेस कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज कीजिए। खास करके बच्चों में कुछ भी मेडिसिन यूजेस करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इतना इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे से ही मेडिकल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।